मैंने जो ये चंदन के पेड़ लगाए तो मैंने पूरे एक साथ नहीं लगाए, तो इसका फ़ायदा मुझे ये है कि सब एक समय पे चोरी नहीं जा सकते हैं, और मुझे जो पैसा मिलेगा वो भी पहले कुछ मिलेगा, बाद में कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत मिलेगा। तो अगर आप भी चंदन के पौधे लगाना चाहते हो बॉर्डर पर लगाए, मेरा तो सुझाव ये है, क्योंकि बॉर्डर पर क्या होता है, जो इसके बाजू में जो दूसरा पौधा लगाना पड़ता है उसको होस्ट बोलते हैं हम, तो उसको तीन प्रकार के होस्ट होने पड़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और परमानेंट। तो प्राइमरी होस्ट क्या करते हैं, इसके बाजू में ही लगाना पड़ता है, तो तुर का लगा सकते हैं या दूसरा कौन सा लगा सकते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी होस्ट, जैसे इसकी जड़ें बड़ी हो जाती है तो उसको खाना खाने के लिए दूसरे पेड़ की सहारा लेता है वो चंदन का पौधा, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी और परमानेंट। तो ये देखो, ये खेती के बॉर्डर पर लगा है, तो यहाँ पर नीम का पौधा है, तो ये अब दोनों काम करेगा, सेकेंडरी होस्ट का भी करेगा, परमानेंट होस्ट का भी करेगा। और अगर ये इधर खेती में लगाए थे तो इसमें हमें ऐसे पौधे लगाने के लिए टाइम भी लगता है, तो ये नेचुरली बढ़ रहा है ये पौधा। और ये है, मैंने सीताफल का लगाया है, तो ये भी काम करेगा होस्ट का। इसके बाजू में ये एक चंदन है, बीच में सीताफल है और इधर एक चंदन है। ये छोटे हैं लेकिन ये अभी 1.5 साल या 2 साल का है, तो ये अभी अभी ये मरेगा नहीं, क्योंकि इसको पानी तो है ही, और ये परमानेंट होस्ट है नीम का पौधा। और दूसरा एक नीम का इधर एक दिख रहा है, तो ये भी परमानेंट होस्ट का काम करेगा। तो ज़्यादातर आप अगर बॉर्डर पर लगाते हैं तो आपकी जो मेन खेती है उसमें आप दूसरा पिक ले सकते हैं। सिर्फ यही दिक्कत है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वैसे भी मेहनत करना अच्छी बात है। तो ये एक चंदन का ही पेड़ है, तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हो गए। ये सीताफल का। और एक चंदन के बारे में बात बोली जाती है कि चंदन के पेड़ पर सांप रहते, तो मैंने अभी चंदन लगाया था, तब से आज तक किसी पेड़ पर ना कोई सांप देखा है ना उसके नज़दीक भी देखा है, तो सांप तो ये सरासर झूठ है। तो ये देखो चंदन का पौधा, ये भी बड़ा हो चुका है, तो इसके बाजू में भी एक नीम का पेड़ है, वो नेचुरली पहले से है, तो ये अभी होस्ट का काम करेगा। तो इसका फ़ायदा होता है अगर आप बॉर्डर पर लगाते हैं, तो यहाँ पर भी एक नीम का है और यहाँ पर चंदन है, और ये काफ़ी अच्छे चंदन बढ़ रहे हैं। ज़मीन तो कुछ भी अच्छी नहीं है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर है, और ऐसे ज़मीन में ही चंदन ज़्यादातर अच्छा आता है, उसकी बढ़त हो जाती है। और यह लगा है सीताफल, बाजू में चंदन। तो देखो, मैंने बॉर्डर पर जहाँ पर कोई पेड़ लगाता नहीं वहाँ पर मैंने चंदन के पेड़ लगाए, नीम के पौधे पहले से ही थे तो होस्ट का काम कर रहे हैं। तो एक तो पहली बात तो होस्ट का काम करने की ज़रूरत, लगाने की ज़रूरत नहीं आपको। और आप दूसरी बात, जो मैंने अभी बोला था स्नेक का, सांप का, तो सांप कभी भी चंदन के पौधे पर नहीं आता है, आज तक मेरा खुद का अनुभव है 5 साल का, और ना आएगा, क्योंकि वो तो जानवर है, वो जहाँ पर उसको रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी वहाँ पर वो रहेगा, उसका और चंदन का कोई भी संबंध नहीं है। और मैंने जो पौधे लगाए वो कुछ पहले लगाए कुछ बाद में लगाए, तो इसका मुझे एक अनुभव भी मिल रहा है कि कटिंग करनी है या नहीं करनी है, कटिंग मतलब प्रूनिंग। तो मेरा तो कहना है कि प्रूनिंग मत कीजिए, उसको नेचुरल तरीके से बढ़ने दीजिए, जब आपको तो आपने आपको समझ में आएगा कि प्रूनिंग कब करनी है। अभी यहाँ पर प्रूनिंग करना पड़ेगा, नहीं की तो भी चलेगा, वो दोनों ब्रांचेस ऊपर आएगी, लेकिन एक अगर प्रून की तो ये पेड़ अच्छा हो जाएगा। ये सीताफल भी अभी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे, अभी मौसम है बारिश का मौसम है, जून महीने की आज की 28 तारीख है, तो ये भी चंदन का है, काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है ये भी। और चंदन के पेड़ दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, उसका वो नेचुरल तरीके से ग्रो होते हैं, तो ऐसे गोल गोल ग्रो होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और साल भर हरे रहते हैं, तो आपको एक खुशी भी देते हैं वो। ये सीताफल है, तो बॉर्डर पर ही लगाए ज़्यादातर, ऐसा मेरा सुझाव है। ये देखो पिछले साल लगाए थे।
बस यही कहना चाहता हूँ कि चंदन के पेड़ जितना हो सके उतना अपने बॉर्डर पर लगाइए, और सांप का कोई चंदन के पेड़ से कोई संबंध नहीं है। ये नीचे आप अगर हरे हरे देख रहे हैं तो ये सब चंदन के पेड़ है, पूरे बॉर्डर पर लगाए मैंने पूरे पेड़। पहले कुछ लगाए थे, बाद में कुछ लगाए, तो ऐसे 100 से ज़्यादा पेड़ है जो मैंने बॉर्डर पर लगाए। तो ये कुछ दिन के बाद तो बस छप्पर फाड़ के पैसा देंगे। तो आगे का हमें सोचना ही नहीं, जो हमारा गीत हमारी जो ग्रंथ है गीता, वो कहता है सिर्फ मेहनत करिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो सिर्फ लगाते चलिए तो आपको एक दिन उसकी सफलता मिलनी है, उसकी मेहनत का फल मिलना ही है। तो जो मैंने आज मुख्य बातें क्या बताई कि बॉर्डर पर लगाएंगे तो आपको होस्ट जो लगाना पड़ता है वो आपको नेचुरली मिलेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत होस्ट के लिए नहीं करने के लिए नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये भी नीम का पौधा है, और सबसे अभी तक मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम नीम करता है होस्ट का।